बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा फिलहाल तो रिलीज हो गई है, लेकिन रिलीज के पहले से ही फिल्म जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, विवादों में बनी हुई है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा लगातार ट्रेंड कर रहा है, पर इसकी बात हम एमपी तक पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे जो प्रकरण है बॉयकॉट करने का इस मूवी को, आमिर खान की इस मूवी को, इसमें एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। क्या पूरा मामला है आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल लाल सिंह चड्ढा जो कि आमिर खान की फिल्म है वो रिलीज हो गई, लेकिन रिलीज से पहले ही इस फिल्म को बॉयकॉट करने की मुहिम जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही थी। और इसके ऊपर जब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसे काम आखिर क्यों अभिनेता जो है या बॉलीवुड है वो करता है कि बाद में उनको माफी मांगनी पड़ती है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा का हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है और अब इस विवाद में एंट्री हो गई है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि धर्म विशेष को टारगेट करने वाली फिल्म बनाते ही क्यों हूँ कि माफ़ी मांगनी पड़ती है। दरअसल आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई है और इसको बॉयकॉट करने को लेकर जहां एक तरफ सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ी हुई है तो वहीं अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी आमिर खान और बॉलीवुड को निशाने पर ले लिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मेरा तो आमिर खान और उनके जैसे दूसरे कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों से निवेदन है कि माफ़ी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरह का फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफ़ी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता, निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे, निर्माता, निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता, निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से विचार करें। इस पूरे मामले में जो माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, वो किस लिए कर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल जो फिल्म है लाल सिंह चड्ढा, इसको बॉयकॉट करने की मुहिम, जैसा कि हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही थी, इसको लेकर जब आमिर खान से बात की गई थी तो उन्होंने कहा था कि देश में स्वतंत्रता है कि जिसे जो मूवी देखनी है, फिल्म देखनी है, वो देख सकता है, लेकिन अगर उनकी कही हुई कोई बात दर्शकों को अगर बुरी लगी है तो वो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। और इसी को लेकर अब नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि धर्म विशेष को टारगेट करने वाली फिल्म आखिर लोग क्यों बनाते हैं और ऐसा क्यों करते हैं कि बाद में उनको माफ़ी मांगनी पड़ती है। अपने इस बयान से नरोत्तम मिश्रा कहीं ना कहीं आमिर खान और पूरे बॉलीवुड पर और कुछ निर्माता, निर्देशकों के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।